फिरोजाबाद लखनऊ से आगरा जाते वक्त कुंडा विधायक व जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का बयान 2022 के चुनाव में 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की है तैयारी। उन्होंने किसान आंदोलन पर उठाए उंगलियां, कहा खालिस्तान जिंदाबाद, लाल किले पर दंगा या एक धर्म विशेष का झंडा उठा किसी के हाथ काटे जाए, ये लोग किसान नहीं हो सकते। वक्त आने पर बताएंगे किसके साथ होगा गठबंधन। फिरोजाबाद से देखिए राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। देखिए, कभी भी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पूरी मजबूती के साथ अभी तक हम लड़ते हैं और मजबूती के साथ, मेहनत के साथ काम किया है। जब 25 वर्ष पूरे हुए 30 नवंबर को, तो हमने अपने सभी समर्थकों से पूछा कि अब आगे क्या करें, निर्दलीय ही रहें, किसी पार्टी की सदस्यता ले लें या स्वयं की पार्टी बनाएं। तो ऐसे सभी लोगों ने ये राय दी कि स्वयं की पार्टी बनाई जाए। इस तरह से जनसत्ता अस्तित्व में आया। फिर जो दोबारा हमने निवेदन किया कि कोविड के कारण उस समय ये संभव नहीं हो पाया कि सभी जनपदों में आने वाले विधानसभा के चुनाव में 100 से अधिक सीटों को हम लोगों ने अभी तक चिन्हित किया है, जहां से जनसत्ता दल के प्रत्याशी लड़ेंगे। मजबूत स्थिति में आपने शिवपाल यादव के साथ भी रहे, मुलायम सिंह का भी दौर देखा, अखिलेश का भी दौर है, मायावती जी का भी दौर देखा, लेकिन ये जो 5 साल कटे हैं मोदी सर, योगी सरकार के, किस तरह देखते हैं इन 4.5 सालों को और क्या? बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य रहा है कि इस अपने राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े लोगों के साथ काम करने और उनके मंत्रिमंडल में रहने का सौभाग्य मिला। हर एक की कर शैली अलग है, लेकिन हम उन समस्याओं को उठाते हैं। जैसे किसान आंदोलन आप देखते हैं, किसानों की समस्या वो नहीं है जो खालिस्तान जिंदाबाद हो रहा है या लाल किले पर हमला हो रहा है, एक धर्म विशेष का झंडा फहराया जा रहा है या लोगों के हाथ काटे जा रहे हैं। ये किसान नहीं, किसान अपने खेत में काम कर रहा है और उसके सामने समस्याएं भी हैं, चुनौतियां भी हैं। इसको हाउस में भी उठाया तो हाउस के बाहर भी उठाया, आज आपसे भी बता रहे हैं। सही समय पर खाद, बिजली, पानी मिल जाए और किसान की पूरी फसल को MSP के दर से क्रय केंद्र पर खरीदा जाए, क्योंकि हमको ये मौका मिला है कि हमने खाद्य और रसद विभाग 2 बार संभाला है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं। तो किसानों के समय पे DAP, समय पे यूरिया मिल जाए, ये प्राथमिकता है। तो उसके लिए जनसत्ता दल हमेशा से मुखर होकर के लड़ता रहा है। आगे 2022 में BJP के साथ मिलकर चुनाव होगा या अभी अभी जनसत्ता दल का किसी भी दल से गठबंधन के विषय में कोई वार्ता नहीं है। जब भी होगी आपको अवश्य अवगत कराया जाएगा। हमारे लिए सारे दरवाजे खुले हैं, कहीं कोई वो नहीं है कि इनसे बात करना है, इनसे नहीं करना है। जो बात करने आएंगे उनसे वार्ता होगी, अगर वार्ता सफल हुई, गठबंधन होता है, तो भी आपको अवगत कराया जाएगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवपाल जी, वो कहते हैं कि सारे दल एक मंच पर आएँ और फिर BJP से मुकाबला हो, तो क्या आप शामिल होंगे? ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है और सारे दल एक मंच पे आ भी नहीं सकते। हर दल की अलग अलग विचारधारा होती है, हर दल का अलग एजेंडा होता है, सारे दल एक मंच पे नहीं आए। तो 2022 की किस तरह की पृष्ठभूमि इस चुनाव की होगी? हमने आपको बताया कि 100 से अधिक सीटों पर हमारी तैयारियां हो चुकी हैं, ये संख्या और बढ़ सकती है। एक और यहाँ पे कहना चाहेंगे कि जो रिजर्व सीटें अनुसूचित जाति के लिए, वहाँ के जो अपने कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, वहाँ से बहुत अधिक मांग आ रही है कि यहाँ जनसत्ता दल का प्रत्याशी अवश्य लड़ना। और कुछ